लोग अपने घर के काम कर रहे हैं कूलर्स उठा रहे हैं व्हील बैरो चला रहे हैं खेतों में लोग हल चला रहे हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं फोक लिफ्ट चला रहे हैं काम कर रहे हैं सो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज वन मिलियन रुपीज ईच बायोनिक्स दुनिया की ट्वेंटी फोर ऑर्गेनाइजेश में से एक है जो ब्रेन कंट्रोल प्रोसेटिक्स मैनुफेक्चर करते हैं एंड हाउ डज दिस आर्टिफिशियल हैंड वर्क सो जब हमने मुस्तफ़ा को प्रोसेटिक पहनाया तो उसने अगले दिन अपनी गाय टहलाई ईद बकर के दिन थे उसने गाय टहलाई और हमें वीडियो भेज दीज <laughs> उन्होंने हमें एक चेक रखा एंड ही सेड कि सिक्स फिगर्स वाली कोई भी आप फिगर चार्ज कर लें यू गाइस हैव डन एन अमेजिंग जॉब कि जब हम किसी चीज़ को करने का इरादा करते हैं सो द ब्रेन एक्चुअली जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस चीज़ को एक्चुएट कराने के लिए तो अब क्या होता है कि जब हम सीधा करते हैं और हमने हाथ बंद किया तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हुए वो मूव करती है हमारे नर्वल ट्रैक ट्रैक्टर Okay. जो नर्व की लास्ट एंडिंग मौजूद होती है उस हाथ की वहां तक आती है, है। okay. तो जब वहां पे आती है वहां पे सेंसर्स हमें एक दिन एक बेनिफिशियरी ने वीडियो भेजी पे हम बड़ा गुस्सा हुआ और नाराज हुए थे उसने जो बायो ने काम पहना था उससे मोटरसाइकिल चला था और सीधे वाले हाथ से उसने सेल्फी बनाई बाइक चलाते हुए सर जी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बाइक चला रहा हूँ आपके हाथ से Assalamualaikum, welcome back to another episode of Hustle. आज मैं बात कर रही हूँ वैसे जो कि है CEO Bionics, जो काम करता है artificial limbs पे, जो कि बहुत ही interesting story है और हम उसके बारे में जरूर जानेंगे. But I would request you to subscribe before we start the interview because that really helps us grow. Assalamualaikum, वैसे कैसे हैं आप? Waalaikum salam, हाँ मैं ठीक. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. सबसे पहले thank you so much for inviting me at your place. You're welcome. You're always welcome. Amazing. ऑल्सो um, आपने मुझे ऑफ कैमरा अपनी कहानी बताई है बट आई वॉन्ट यू टू कवर दैट स्टोरी अगेन ऑन कैमरा बैनिक्स इज़ डूंग वंडरफुल जॉब आई एम एक्चुअली इन ऑल ऑ ऑफ दैट वर्क दैट यू डूइंग और बहुत सारे लोग ये जाना भी चाहते हैं कुछ स्टोरीज आपके अवेलेबल हैं ऑनलाइन बट वील गो इन डेप्थो क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें देखते हैं तो आई वॉन्ट यू टू कवर द बिजनेस साइड इज वेल तो सबसे पहले मुझे बताएँ आप इंजीनियर हैं uh -huh. uh, ये आइडिया कहाँ से आया कैसे शुरू किया वट्स द इनिशियल स्टोरी अच्छा महा बैक इन टू थाउजेंड सिक्सटीन वैन मी एंड अनस तो मैंने और अनस ने स्टार्ट किया इन टू थाउजेंड सिक्सटी एंड वी वर आ प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टे फॉर्म दैट स्टिल एग्जिस्ट अलहमद नेपोरेश सो हम जब काम कर रहे थे दैन देर वी वर अप्रोच बाई आ फैमिली और उन्होंने कहा कि जब आप प्रोसे आप अलग अलग दुनिया की चीज़ें बना रहे हैं रोबोट्स बना रहे हैं जहाज़ बना रहे हैं कुछ चीज़ें बना रहे हैं सो वाई डोंट यू गज डिज़ाइन एंड डेवलप अ प्रोसेट ए काम फ्राम अ किड सो जब हमने वो चीज़ करने की बात सुनी है वर लाइक पेटी लाइक हमेज के ठीक है शायद ये भी कुछ हो सकता है तो उन्होंने हमसे कॉस पूछे वर लाइक प्रटी फाइन हमने कहा नहीं कौन किसी के किसी यानी हमें लगता था कि किसी के ऑर्गन के लिए कौन कोई चार्ज करेगा तो वी सेट uh, कि ठीक है आप आ जाएँ एंड वी विल डू दैट सो so, हम उस बच्चे के लिए काम शुरू किया एंड दैट टू ऑलमोस्ट अराउंड लाइक अ मंथ टू टू तो बच्चा अक्सर आता था पाँच साल का बच्चा मीर बयान बलोच की उठ सा उसको उर्दू भी नहीं आती थी, थी बलोच था सो so, वो आता था और वो ना हमारे जो मैनुफेक्चर प्रोस्टिक्स होते थे उसमें अपना पाम डाल के अपना स्तंभ डाल के चेक करता था और वो समझता था शायद ये फिट हो गया है और वो हर दफ़ा जब वापस जाता था तो बड़ा उदास होता था कि मुझे आज भी प्रोस्ैटिक नहीं लग सका या कोई चीज़ नहीं हुई सो so, जब हमने उस बच्चे के लिए काम किया और वी डिलीवर्ड द प्रोस्थेटिक अप सो उस उस प्रोस्थेटिक को डिलीवर करने के बाद हमारे पास वी वी गॉट रिव्यूड बाय फोर सऊदी गजेट एंड मैनी डिफरेंट मीडियम्स सो जो वो जर्नी थी ना उस जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया उस जर्नी में हमें पता चला कि पाकिस्तान में तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस चीज़ को हम सोल्यूशन कहते आए हैं पाकिस्तान में आज तक दोज आर डमी डम मैकेनिकल प्रोसेटिक्स तो जब हम उन प्रोसेटिक्स की बात करते हैं तो दैट वेट्स ऑलमोस्ट अराउंड लाइक वन टू वन एंड हाफ के जी अब हमने मुझे एक सेकंड मैं बीच में इंटरप्ट करी मुझे बताइएगा इससे पहले आप क्या प्रोडक्ट्स बना रहे थे वी वर वी वी स्टिल आर इनटू द फेज जहां पे हम आ, बहुत अलग-अलग डोमेन -अलग के लोगों के लिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट करते हैं जिसके अंदर से हम इंटरनेशनल कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं आ, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर वर्क कर रहे अच्छा, हैं okay. आ, हम इसके साथ-साथ अगर बात करें तो आ, हम कुछ कुछ पार्ट्स के ऊपर

सिक्स uh, फिगर्स वाली कोई भी आप फिगर चार्ज कर लें सो यू गैस कैन चार्ज एनी अदर फिगर फ्राम सिक्स फिगर्स तो हमने कहा कि सर नहीं इट्स अ गिफ्ट फ्राम आर साइड टू मीर ना सो so, वो इतना खुश हुए और द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी वी वर वेरी हैप्पी एंड द जर्नी दैट मेड अस लर्न अ लॉट कि लोगों की कितनी इशूज़ हैं कितने प्रॉब्लम हैं असल में माहम हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग डिसेबल हैं क्योंकि वो लोग शायद अपनी जो उसको अपनी है ना अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको छुपाने के लिए दीवारों के पीछे ही रहते हैं ठीक है और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता और फिर अक्सर लोग उसके बारे में बात भी नहीं करते बट अब जैसे अभी मैंने आपके यहाँ पर ही काफी सारे बेनिफिशरीज को कॉन्फिडेंट एंड देर

और हा हंड्रेड और टू तो उस वक्त हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी एंड वी वर वी वर वेरी यंग ग्रेजुएट्स तो लोग अक्सर हमें बिलीव ही नहीं करते थे कि हम कोई काम भी कर रहे हैं सो so, काफ़ी उस पर भी मसले आते थे विल टॉक दैट अबाउट दैट और लेटर ऑन सो द थिंग इज कि हम कॉन्फिडेंस की बात करें ना सो so हमने मीर बयान बलोच से पूछा कि वॉट थीम वुड यू लाइक टू हैव फॉर योर प्रोसेटिक आर्म एंड ही सर दैट आई वॉन्ट एन आर मैन थीम आर्म तो हमने जब उसको प्रोसेटिक पहनाया और डाउन द लाइन उसको प्रोसेटिक फिट होने के एक हफ्ते बाद वी केम टू नो दैट ही इज़ नोन्ड एज आयरन मैन बॉय इन हिज स्कूल अच्छा ठीक है सो बहुत उसकी लाइफ चेंज हुई एंड जब हम वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई एंड वी वर बेसिकली प्रोवाइडिंग प्रोसेट अकाउंट्स फॉर फ्री सो हमने कहा कि हम इसको चार्ज ही नहीं करेंगे एंड वी विल कीप प्रोवाइडिंग द प्रोसेट अकाउंट्स फॉर फ्री सो दैन देख के हमारा मैंट्रो बोर्ड हमारे मैंट्रो बोर्ड जो था हमारा एडवाइजरी काउंसिल जो था देखिए मे नगर आप इसको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे सो यू विल बी एग्जॉस्टेड वन डे और इस्टार्ट एंकरिंग द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड योर सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन टू दैट सो हमने जब वो कॉस्ट एंकर की तो उस कॉस्ट को एंकर करने के बाद डेवलपमेंट और सारी चीज़ें आज बायोनिक्स दुनिया की ट्वेंटी फोर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है hmm. जो ब्रेन कंट्रोल प्रोसेटिक्स मैनुफेक्चर करते हैं तो पूरी दुनिया में सिर्फ ट्वेंटी फोर कंपनीज ऐसी हैं जो मैनुफेक्चर हैं बाकी सब उनके री या उनसे प्रोडक्ट लेके फिटिंग्स करते हैं जिनको हम प्रोसेटिक

जिसके अंदर से अगर हम मोटर्स की बात करें तो वी अल्टीमेटली हैव टू प्रिक्योर द मोटर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट ठीक है क्योंकि वो इतनी प्रेसाइज इतनी हाई टॉर्क इतनी फास्ट मोटर्स हमें आ, लोकली मैनुफैक्चर करना बहुत मुश्किल है और अगर सिर्फ मैं अपनी नीड के लिए भी काम करना शुरू कर और मोटर मैनुफैक्चर करना शुरू करूँ तो मुझे एक पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी सिर्फ मोटर मैनुफेक्चर करने के लिए ओके okay. सो so, हम वही वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेशनली सबसे अच्छी अवेलेबल थी लेकिन जो उसके बाद उसकी सर्किट्स हैं उसके एल्गोथन हैं उसके सेंसर्स हैं उस बाकी आर्म की पूरी मैनुफेक्चरिंग है दैट इज डन इन पाकिस्तान एंड द द इंजीनियर्स इंजीनियर्स आर आर फ्रॉम फ्रॉम हियर ऑल पाकिस्तान What are the, by the way, universities you're hiring from? Ah, we are hiring from. We have been hiring from uh, from Zabest, from NED, from Ekra University. Uh, so how many engineers hired here have? From BBA -K students, IBA students. Okay. So business grads or uh, general university for women.

अच्छा ट्वेंटी फाइव पीपल रेस्ट टू सिक्स राइट नाउ सो वो जो uh, चीज That's है टेक्नोलॉजिकली like हाँ, exactly. so, hmm. uh, exactly, के मैं उसमें बहुत सारे लोगों को भर लूँ और मैं हर एक को छोटा छोटा सा काम दे दू सो वी डिड एवरी सिंगल थिंग वेरी इंटेलिजेंटली हमने उसके ऊपर हर स्टेप पे अपने ए आई गर्थन डाल दिए लेट सपोज अगर मैं बात करूँ तो uh, आप हमारा हमारी बायक आर्म की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए यू कैन स्कैन द रेजिडुअल स्टम ऑफ द बेनिफिशरी हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोस्थेटिक uh, को ए आई बेस्ड क्लाउड सिस्टम के थ्रू उसका एक सॉकेट पैटर्न जनरेट करके उसको मैनुफैक्चरिंग में भेज देगी द प्रोस्थेटिक कैन बी फिटेड इन टू अ बॉक्स और वो बॉक्स डिलीवर हो जाएगा बेनिफिशरी के डोर स्टेप पर और वो अपना प्रोसेटिक निकाले अपने हाथ को प्रोसेटिक में पहने एंड द विल बी सिंक्रोनाइज और ये सब कुछ रिमोटली हो सकता है यानी उसको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है ओके okay. सो so, आप अभी विजिट कर रही थी सिक्स हंड्रेड यूजर्स में से कोई कंप्लेन नहीं है कोई हसल नहीं है पीपल आर वेरी फ्री आराम से मूव कर रहे हैं रोम अराउंड कर रहे हैं कंप्लेन नहीं है मेंटेनेंसेस नहीं है नए वाले बेनिफिशरीज बहुत आराम से अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर All, रहे हैं uh, the uh, well okay, अगर हम बायोनिक्स की बात करें तो हमने जो इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो वी हैव

और वो आज हम लेस देन टू थाउजेंड डॉलर पाकिस्तान में प्रोवाइड करें सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज के हमने उस ऐप के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर लिया कि हमारे पास उसके ओवर कम हो गए हमारे पास उसकी कम्प्लेंसेज कम हो गई हमारे पास उसकी कॉम्प्लीकेशन कम हो गई तो एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटली ए बेस्ड अब उसमें होता क्या है लेट सपोज़ एक बेनिफिशरी है उसको प्रोसेटिक यूज़ करना है तो वो क्या करेगा कि वो अपने प्रोसेटिक को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देगा जैसे ही वो कनेक्ट करेगा उसके मोबाइल बेस्ट के इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे क्लाउड क्लाउड सिस्टम सिस्टम के के ऊपर पे कनेक्ट होने बाद उसके आम में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही होगी तो हमारी एप्लीकेशन उसका टेस्ट रन पूरा कंडक्ट करेगा जहां जहाँ प्रॉब्लम्स होगी वो सबको आइडेंटिफाई करेगा आइडेंटिफाई करने के बाद मार्क कर देगा और मार्क करने कर के बाद उसका फर्मवेयर जनरेट करके उसको अपलोड कर देगा कि उसको कैसे हम कर सकते हैं <coughs> अच्छा

नहीं so, सिर्फ सोचने पे कुछ नहीं होता था ठीक है सो इट इज समथिंग कि जब हम किसी चीज का जेस्टर करते हैं तो ब्रेन से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है okay. अब आप अपना हाथ सीधा करें वापस और बगैर सोचे अपना हाथ बंद करें अब आपका हाथ बंद होगा आपने सोचा नहीं है ठीक okay. है so, कि जब हम किसी चीज को करने का इरादा करते हैं सो द ब्रेन एक्चुअली जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उस चीज को एक्चुएट कराने के लिए तो अब क्या होता है कि जब हम सीधा करते हैं और हमने हाथ बंद किया तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हुए वो मूव करती है हमारे नर्वल ट्रैक तक okay. जो नर्व की लास्ट एंडिंग मौजूद होती है उस हाथ की वहाँ तक आती है डिस्टॉर्ट हो जाती है okay. तो जब वहाँ पे आती है वहाँ पे हमारे सेंसर तो वो सेंसर्स उस नर्व सिस्टम के थ्रू उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को उठाते हैं और उसको मोशन में कन्वर्ट करते हैं okay. ठीक है अब इसको उठाने से लेके मोशन में कन्वर्ट करने के दौरान का जो पूरा सफ़र है वो पूरा हमारे एल्गोरिथम्स क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम उसके जनरेट किए हुए मैकेजम उसकी पूरी एक लाइब्रेरी उसके थ्रू गुजर के जाता है तो उसको पता होता है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है और मुझे कैसे बिहेव करना है सो so, आपने ये भी बताया कि ओके सो अगेन फिंगर व्हाट काइंड ऑफ एग्जैक्टली मैक्सिमम टास्क दिस आर्टिफिशियल हैंड कैन परफॉर्म और कितना वेट वो uh, उठा सकता है अच्छा देयर अ लॉट ऑफ फनी इंसिडेंट्स बिहाइंड दैट अगर हम बात करें तो uh, हमने जब प्रोसेटिक बनाया था ना तो वी यूज टू टेल देम कि इट्स इट्स टूल टू मी टू अनस इट वाज अ टूल हम लोगों को यही कहते थे कि आई हैव नो आइडिया कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं आपका आर्म डेड नहीं होगा इट विल बी अप एंड रनिंग ये काम करता रहेगा इसकी ग्रिप मूवमेंट रहेगी ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है लेकिन नाउ यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू टेल सो जब हमने मुस्तफ़ा को आर्म पहनाया तो उसने अगले दिन अपनी गाय टहलाई ईद बकर के दिन थे उसने गाय टहलाई और हमने अपने उसमें लिस्ट में लिखा कि यह गाय टहला सकता है <laughs> okay, तो अब इस तरह से लोग हमें एक दिन एक बेनिफिशरी ने वीडियो भेजी जिसपे हम बड़ा गुस्सा हुआ और नाराज़ हुए थे उसे उसने जो बायो ने काम पहना था उससे मोटरसाइकिल चला था और सीधे वाले हाथ से उसने सेल्फी वीडियो बनाई है बाइक चलाते हुए कि सर जी देखें मैं वीडियो बना रहा हूँ okay. और सो हमें खुशी तो हुई कि हमारा आम बाइक चला सकता है बट वो बताने का तरीका हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आया बट अलहमद आज बाइलेट्रल यानी दोनों जिसके हाथ नहीं थे वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं लोग अपने घर के काम कर रहे हैं कूलर्स उठा रहे हैं व्हील बैरो चला रहे हैं खेतों में लोग हल चला रहे हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं फोकलिफ्ट चला रहे हैं औरतें घरों में खाने पका रही हैं मैं रिसेंटली अभी दो दिन पहले एक बेनिफिशियरी से मिला तो मैंने कहा हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट बायोनिक्स तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था एंड देयर वाज अ ट्रक इन फ्रंट ऑफ मी और वहाँ से एक बंदा जो था वो बोरियाँ ऑफ कर रहा था तो मैंने उसको देखा तो मैंने अपने साथ बैठे बंदे को कहा कि इसका हाथ नकली है तो कहते हैं कि मैंने उस शख़्स को कहा कि जब ये ट्रक खाली हो जाए तो उस बंदे को मेरे पास भेजना कहते हैं उन्होंने उस शख़्स को भेजा मेरे पास और जब मैंने देखा तो उसका हाथ नकली था और वो अनाज की बोरियाँ उतार उतार के रखवा रहा था और ऑफ रोड क्या था मजदूर था तो मैंने उससे बोला ये आर्म नकली है उसने बोला ये बायोनिक आर्म है और मैंने बायोनिक से लिया है और हम जब के लोगों को ये कहते हैं कि इस आर्म की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी दैट इज़ फाइव के ओके

अब सिंस वी आर द मैन्युफैक्चर हमें पता है हमने पूरे आर्म को एक एक कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट अलग कर देना है वी नोज के कौन से आर्म के ऊपर किस कॉम्पोनेंट के ऊपर जो है वो डैमेज प्लेस हुआ है और हमें सिर्फ किस पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत है okay. तो हम उस चीज को उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं okay. आर्म अपन okay. ठीक तो हमारे पास जो अगर मैं आपको बताया था एप्लीकेशन बेस्ड तो उसमें यह है कि हमारे पास कुछ बेनिफिशरी चित्राल में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, कश्मीर साइड पे हैं अभी रिसेंटली हमारा एक बेनिफिशरी है एंड दैट दैटरी वाज स्पॉन्सर्ड बाय द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान ठीक तो उस रकीब जो है वो नीलम वैली से आगे रहता है अब सोचें कि नीलम वैली से उसको आना जाना कितना मुश्किल होगा कि उसका आर्म काम कर ना करो सो द टाइम वेन द प्रॉब्लम अकर्स तो वो अपने आर्म को एप से कनेक्ट करे दैट कैन गो अप एंड रनिंग और अगर खुदा ना खासा कोई मेकेनिकल या फिजिकल डैमेज आ जाता है वो गिर जाता है टूट जाता है कुछ भी होता है सो ही कैन सेंड द आर्म बाई अ कोरियर ओके वो हमारी ही बॉक्स में अपना आर्म प्लेस करें हमें कोरियर करें अपने आर्म को हम उसके आर्म को अप करके वापस भेज देंगे सो वी हैव नो इशूज विद दैट ओके Uh, let's talk about the business side as सबसे पहले ये बताएं कि इसका कॉस्ट इस क्या है एक एक आर्म की एवरेज कॉस्ट क्या है uh, देखें एक आर्म की जो इस वक्त करंट कॉस्ट है दैट इज़ फोर लैख फिफ्टी थाउजेंडी आज से अगर तीन साल के पहले की अगर हमारी तमाम आप कॉन्वर्सन देखेंगे तो वी यूज टू बी प्राउडली सेइंग कि हम बायोनिक आर्म टू थाउजेंड यू डॉलर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर uh, उस टाइम के ऊपर द डॉलर कॉस्ट वॉर समे लाइक वन फिफ्टी वन सो वी यूज टू चार्ज थ्री लाख रुपीज़ फॉर दैट सो इन्फ्लेशन अनफॉर्चुनेट इन्फ्लेशन की वजह से जो हम स्ट्रक हुए हैं उसके बावजूद हमने अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया

हमारे पास ऐसे लोग आए हैं कि दियर कीम अ बेनिफिशरी मुस्तफ़ा नाम है उसका सो ही कीम टू मी और नहीं आइस मुस्तफ़ा नाम है उस बच्चे का पूरा सो आयस कीम टू मी उसने कहा सर मैं इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहा था और मेरा थम टूट गया रास्ते में मुझे शादी में जाना है तो वो इतनी फ्रेंडली हो जाते हैं वो हमसे कि वो आया और उसने अपना आर्म हमारे पास रिप रखा उसने कहा सर मैं कल पिक कर लूँगा मैं जो आज मेहंदी में जाना है <laughs> सर वो गया उसने अपना आर्म सुबह पिक किया हमसे रिप्लेस हुआ एन ही सेट सर वो मुझे बता दें इसके क्या चार्जेस एन लाइक आप सोचें ना कि कैसे आप किसी के आर्म के या किसी भी ऐसी चीज़ के जिसकी उसके नीड है एंड वी कीप चार्जिंग दैम आप बैक अगेन एन अगेन अगेन एंड अगेन सो दिस इज समथिंग वट वट डज नॉट मीन्स फॉर अ सोशल एंटरप्राइज सो सोशल एंटरप्राइज पर हमें हमारी सस्टेनिबिलिटी इंश्योर करनी होती है बट हमें लोगों को भी फैसिलिटेट करना होता है सो सिंस वी आर बैकड बाई अनदर फर्म ऑर्गेनाइजेशन तो हम उस पर अर्न कर रहे हैं एंड वी आर पे डिफाइन विद डेट

और uh, जो हमारा मेन एजेंडा है बायोनिक्स को लेके, दैट इज़ बेसिकली द एक्सपोर्ट ऑफ बायोनिक आर्म्स फ्रॉम पाकिस्तान क्योंकि जिस चीज की कॉस्ट इंटरनेशनली टेन थाउजेंड टू यूएस तो डॉलर से स्टार्ट हो रही है सो वील बी एबल टू प्रोवाइड द एंटरप्राइज सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आपको अपने सस्टेनेबल रखना है हमारे जो मेंटर एडवाइजरी बोर्ड थे जिसमें आसफर भाई हैं यूसु बशीर कुरेशी हैं जेबा बख्तियार हैं इस तरह से बहुत सारे लोग हैं सो दे आर वेरी रेनाउंस पर्सनल जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की चीज़ें लगाई हैं एंड दे नोस थिंग्स वेल सो जब हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं तो दैट इज़ द पार्ट जिसके ऊपर हमारा एक विजन ड्राइव होता है और फिर उस विज़न को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपने साथ उसमें अमेंट करके जिसमें हमें पता होता है कि वी हैव टू मेक दिस दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट्स ताकि हम इतने अर्से तक सस्टेन कर सकें दिस इज़ हाउ बायोनिक सर्वाइव इन द कोविड एज वेल सो so, आप थे इंजीनियर और आपने काम किया एज एन एंटरप्रेन्योर एज ए बिजनस मैन वो इंजीनियर्स या वो एस्पिरेंट uh, इंजीनियर्स uh, जो आपको देख रहे हैं एस्पिरेंट परप्रेनोर बेसिकली वो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बिकॉज uh, आपने बिजनेस

एक शायद हमारे अगर मैं ऑन्टरप्रीनोरल जर्नी का बताऊँ तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में द आंटरप्रीनल इको सिस्टम वॉज नॉट दैट मच डेवलप्ड लोगों को ऑन्टरप्रीनरशिप का मतलब भी नहीं पता था ना एन आई सीज थे ना इंक्यूबेशन सेंटर्स थे yeah. और yeah. एक नेस्ट yeah. आई जो था दैट वॉज वर्किंग वेरी गुड जहान मैम हैव अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री फॉर ऑन्टरप्रीनरशिप एंड आई ऑलवेज रिगार्ड हर अप लॉट अल्लाह उनको सेहत दे तंदुरुस्ती दे सो so, उन्होंने बहुत सारा काम किया है उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो फैलने में बहुत बड़ा उनका किरदार है सो द थिंग इज़ कि अगर हम बात करें कि उस वक्त ये होता था कि आपने कभी वो देखा है कि मैं अक्सर लोगों को कोट करता हूँ कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना उस पर काम सारे होते हैं लेकिन उसको जिम्मेदार नहीं समझते ऐसे <laughs> ही है ठीक हाँ। है तो उसको कहेंगे कि वो छोटा हाँ छोटा है हाँ। लेकिन काम भी सारे दे देंगे उसको ठीक है और फिर ये समझेंगे भी नहीं कि वो जिम्मेदार है और वो करेगा भी बेचारा सारा तो ऑनटरप्रन्यर्स का ना एक यही इमेज था पाकिस्तान के अंदर सही सर <laughs> so, हमें हमसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करवाती थी चीज़ें होती थी लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन समझती थी कि यार ये दो छोटे छोटे यंग लड़के हैं इवन हमें ये भी आया कि ये बच्चे क्या करेंगे ठीक <laughs> तो जब वो वाली चीज़ें होती है ना तो वो ट्रस्ट वाली चीज़ें कहा जाती है उसमें वो कहते थे यार तो बाल भी सफेद नहीं है ये तो बड़े भी नहीं लगते यंग ऑनटरप्रनोर हैं तो वो अलहमदुल्ला बट शिफ्टिंग सो अब का जो एटमोसफियर है ना वो बहुत बहुत फ्रेंडली है अब हमारे पास जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर मेनली लुकिंग टूवर्ड्स द यंग ऑन्टरप्रीनोर्स क्योंकि उनको पता है कि जो हमें सोल्यूशन बहुत बड़े कारपोरेट से मिल रही हैं वही हमें ये इन यंग ऑन्टरप्रेन की तरफ से मिल सकती हैं एंड विद वेरी ह्यूज डेडिकेशन एंड कमिटमेंट और बहुत अच्छी रिसोर्सेज के साथ और बहुत ही मिनिमम रिस्क उसमें हमारी कॉस्ट के ऊपर हम अपनी चीज़ें फुलफ़िल कर सकते हैं सो so, जो यंग एंड इंजीनियर्स हैं ना हमारे पास एक अल्टीमेट कंस्टेंट ये रहा है और आज भी है कि हम एक ही फ्लो में जाना शुरू कर देते हैं कि अगर हम सब देखेंगे कि कॉल सेंटर्स का बूम है सो वील ऑल गो फॉर द कॉल सेंटर्स वील ऑल गो फॉर द सॉफ्टवेयर हाउसेस वी ऑलरेडी हैव टू सम समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स अब अगर मैं ये बताऊं कि हमने बायना काउंस बनाए हैं सब कुछ किया है एंड सम वन विशेज के वो बाय काम बनाए सो वी हैव जर्नी एट द बैक तो आपको उस जर्नी के लिए रेडी होना है ठीक okay. है आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना है तो हर किसी को अपने अपने डोमेन में और देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लेट सपोज अगर मैं सेल सॉफ्ट की एग्जाम्पल लूँ तो सेल सॉफ्ट बनने के लिए लोगों को बहुत टाइम चाहिए नेट सॉल्व बनने के लिए लोगों को बहुत टाइम चाहिए और जब तक आप नेट सॉल बनेंगे नेट सॉल एक और लेवल का नेट सॉल होगा सो so, नेट सॉल्व विल बी <laughs> विल नेट सॉल स्क्वेर एंड यू विल बी लाइक वन एंड अ हाफ ऑफ नेट सॉल ठीक है सो अपनी जर्नीस खुद क्रिएट करें अपने पैटर्न खुद क्रिएट करें दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आप उसको गिन नहीं सकते ठीक hmm. अब आप किसी भी एक भी प्रॉब्लम को लेके उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकाल देना तो दैट इज़ समथिंग कि यू आर विक्टोरियस ठीक है एट एवरी ग्राउंड एग्जैक्टली और सबसे अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वही सेम प्रॉब्लम इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वही सेम प्रॉब्लम बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल yes. भूटान मालदीव सब के अंदर ये सेम प्रॉब्लम्स आपके रीजन के अंदर वो हैं

सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी ठीक है सो यू ऑलवेज हैव टू बी कंसिस्टेंट ठीक आप ये नहीं सोच सकते कि आ, आज आपने एक स्टार्टअप रन किया है yeah. और वो डाउन द लाइन दो हफ़्ते बाद तीन हफ़्ते बाद या साल भर बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर वो हो जाता है बहुत अच्छी बात है लेकिन आ, हमारे पास जो है वो एक अंटरप्रनोरल जर्नी के अंदर बहुत दफ़ा ये बात कही जाती है और दैट इज़ समथिंग लर्न फास्ट एंड फेल फास्ट ठीक ठीक है तो <laughs> तो तो जितनी जल्दी जल्दी <laughs> जल्दी आप फेल करेंगे, तो आप for <laughs> तो आप 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 करेंगे करेंगे ना ना उतना फेल अगले स्टार्टअप स्टार्टअप की तरफ जाएंगे जाएंगे एंड द द लर्निंग्स विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट कहीं कहीं जाके आप सस्टेन कर जाएंगे. <laughs> लेकिन वो बहुत चक्कर के अंदर आप कोई शॉर्टकट देर नो शॉर्टकट्स का I want to know. <laughs> मुझे मुझे कि कितना हो हो गया आपको बायोनिक्स करते so, मुझे almost साल हो गया आपको के करते करते करते। हुए? डेढ़ साल इसको ठीक है और अब आप यहाँ काम भी कर रहे हैं जी अब मैं यहाँ पर कर रहा हूं और को प्रैक्टिस करा रहा और को करा डेढ़ साल हो गया आपको सो so, मैं अगर शुरू से बात करना चाहूँ मुझे ये जानना है कि what happened? Actually, like, what was तो बचपन से कभी इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं बचपन से ऑब्वियसली था कि एक प्रोडक्ट जो दिख दर्म प्रोसाइटिक बहुत दिखते थे ना शुरू में हा. तो ये था कि यार इसको यूज करना है इसको लगाना है लेकिन जब मैं धर्म प्रोसेटिक पे गया मैं उनके ग्लब्स गया धर्म प्रोसेटिक के लिए तो वो बहुत ही वो एक्चुअल धर्म थे तो किसी काम के नहीं थे अच्छा तो उनपे मैं फिर गया नहीं तो क्योंकि एक मतलब प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती मूवमेंट नहीं थी उसके अंदर आप काम नहीं कर सकते आप बॉन्ड हो जाते हो कि आपने पहनना है और उसको पहनना बहुत मुश्किल है और उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है हैवी हैवी होता आप, है? भी होता है है भी वो बहुत अच्छा और ये तो प्लग इन प्ले डिवाइस है कि आपने फॉरन से पहना फॉरन से उतार लिया आपको कहीं उतारना है आपने उतार लिया कहीं पहनना है कहीं पहन लिया इसका कोई इशू नहीं था आपने कहा ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है जैसे कि की भी बता रहे थे तो इसमें पहली बात तो सर्जरी नहीं है

मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो खराब नहीं हुआ अच्छा। मुझे इसको डेढ़ साल यूज हो, हो गया और वैसे ही कि मतलब कितने टाइम तक वारंटी वगैरह इसकी इसकी के? एक साल की वारंटी है अच्छा इसकी ओके। एक साल की वारंटी है जिसमें सब कुछ है ग्लव्स के अलावा ओके तो इससे मैक्सिमम अब क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल लिम आपने लगाया हुआ है तो मैक्सिमम आप क्या क्या चीज़ें या कितना वेट उठा उठा सकते हैं क्या काम कर सकते हैं मैक्सिमम क्या हो सकता है इससे ताकि जो लोग देख रहे हैं अगर किसी को ऐसा हो कि हम भी ये, ये यूज़ करना चाहें तो वट आर द टास्क दैट यू कैन परफॉर्म विद दिस हैंड अच्छा मैक्सिमम आ, मैंने इससे अभी तक वैसे तो बहुत सारे काम किए मतलब जो करने होते हैं वो कर लेते हैं मतलब अगर

ठीक है ठीक है सही है तो वो आपके ब्रेन वेन्स कनेक्टेड है बेसिकली कनेक्टेड नहीं बोलेंगे इसके अंदर एम्बेडेड सेंसर्स हैं okay. तो सेंसर्स सिग्नल्स कैच करते हैं तो कनेक्टेड तो डिफरेंट हो जाएगा ओके एंड हाउ अबाउट लाइक द प्रोसेस जब आप फर्स्ट टाइम इसको आप यूज कर रहे थे व्हाट वाज द ट्रेनिंग प्रोसेस हाउ इज द ट्रेनिंग अब तो आप काउंसलिंग करते हैं ना लोगों को ट्रेनिंग so, मेरी उस व गई थी अच्छा मैं जब मैं इधर आया जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो इन्होंने सबसे पहले साइजिंग और सॉकेट टेस्ट किया सबसे पहले साइजिंग की कि आप क्योंकि हर बेनिफिशरीज का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है तो मेरी साइजिंग हुई सॉकेट टेस्ट हुआ सॉकेट टेस्ट से मीन ये कि पहले इसको रफ़ बनाया okay. तो रफ बना के मुझ पर टेस्ट किया कि यहाँ से ये मतलब लॉक हो रहा है सही तरीके से एल्बो से और निकल तो नहीं रहा तो इस तरीके सॉकेट टेस्ट हुआ फिर देन ये काबन फाइबर में जो मटेरियल है इसमें फिर ये मैन्युफैक्चर होके आया अच्छा। और ट्रेनिंग पीरियड यही थी कि उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी कि आप आंखें बंद करके इसको जो है ना आप फील करो कि आपकी फिंगर्स जो है ना आप इसको ऑन कर रहे हो और ऑफ़ कर रहे हो सो बेसिकली इसकी सिंपल ये सिंपल ये ट्रेनिंग है कि आपने आंखें बंद करके सिर्फ फील किया है कि आपके पास फिंगर्स हैं और आप इसको ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो बस ये ट्रेनिंग उसके बाद फिर आपको सब कुछ आ जाएगा करना फिर आपके ऊपर है कि आप जितनी एक न्यू बॉर्न बेबी भी मतलब आप करोगे तो आएगा कोई चीज़ करते हो तो आता है तो इसका भी यही सीन है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा सो so हाउ इज है अलहमदिल्ला अब बहुत अच्छी है मतलब पहले भी अच्छी थी लेकिन अब थोड़ी सी बेहतर हुई है हुँ, मतलब ज़्यादा बेहतर हो गई मेरा कॉन्फिडेंस जो लैग करता था पहले अब वो लैग नहीं करता okay. और फिर मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आपको एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है ना तो आप

अच्छा और ग्लव्स की वारंटी नहीं थी क्योंकि ग्लव्स का ये है कि अक्सर बाद बदल ग्लव्स तो चेंज होते रहते हैं और फिर ग्लव्स का ये है कि अगर आप एहतियात okay. नहीं करते हो और आप कहीं रख देते हो तो वो चूहे खा लेते हैं आके क्योंकि उनको बहुत शौक होता है इस चीज़ को खाना हुँ. तो इस चीज़ से जो है ना ये है ही नहीं बाकी सब चीज़ों की इसकी वारंटी वन ईयर की और मुझे तो डेढ़ साल हो गई है इसको यूज़ करते हुए तो मेरे पास अभी वैसे भी कोई भी इशू नहीं आया और बैटरीज आ, बैटरी की टाइमिंग मैंने आपको बताया कि सेवनटी टू आवर्स है बैटरी पैक के मैं और अगर उसको यूज़ करूँ तो खर्चा बैटरी का भी अलग से कोई खर्चा नहीं है कम्प्लीट अच्छा, है ये okay. ओके मतलब इसके बाद आपकी अगर कोई बैटरी में इशू आता है तो वो रिजॉल्व हम देखते हैं कि क्या इशू आया है कि मतलब किस तरीके से आया तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है